नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना सोनी वंदनास किचन में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अलवर का मावा यानी मिल्क केक बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत आसान है। आप आराम से इसको घर में बना सकते हैं, बिल्कुल बाजार जैसा बनता है, हलवाई से भी अच्छा आपका घर का टेस्ट आता है इसमें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें 3 लीटर दूध लिया है, ये फुल क्रीम दूध है दोस्तों, आप भी फुल क्रीम ही दूध लें। ये जितना हमने 3 लीटर दूध लिया है, उतना ही मेज़र करके मैंने ये 300 ग्राम चीनी ली है। अगर आप 2 लीटर दूध लेते हैं तो 200 ग्राम चीनी लें, 1 लीटर दूध ले रहे हैं तो 100 ग्राम चीनी लें। और अगर आपको मीठा थोड़ा कम पसंद है तो आप कम कर सकते हैं, मीठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं मीठा। ये मैंने एक छोटे नींबू को निचोड़ के इसका रस निकाल लिया है। और ये मैंने 1 चम्मच हरी इलायची ली है पिसी हुई। आज हम इसको लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे दोस्तों, दूध को गाढ़ा करके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दूध को, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 3 लीटर दूध लोहे की कढ़ाई में पलट लिया है। ये देखिए, मैंने गैस ऑन कर दिया है। अब हम इसको धीरे धीरे उबाल आने तक एक बार पकाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे दूध में उबाल आ गया है। अब हम इसको कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। हमारा जो कढ़ाई है उसके तले में दूध नहीं लगना चाहिए। हम इस तरह से धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे और इसको गाढ़ा करेंगे। आइए, जब तक हमारा दूध गाढ़ा, एक तिहाई दूध नहीं रह जाता जब तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने दूध को एक तिहाई होने तक अच्छे से पका लिया है। ये दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है। ये देखिए, मैंने अभी तक इसको तेज आंच पे और मीडियम आंच पे ही पकाया था। लगभग मुझे 30 से 35 मिनट लगे हैं। अब हम इसको, ये मैंने एक छोटा नींबू का रस लिया है। अब मैं इसमें लगभग 2 चम्मच पानी डालेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें 2 चम्मच पानी डाल लिया है नींबू के रस में। अब मैं इसमें अपने दूध में इसमें इस तरह से आप चारों तरफ फैलाते हुए इसको डाल दीजिए और इसको थोड़ी देर इस तरह से हम चला देंगे। और हम इसको आधा मिनट के लिए धीमी आँच पर ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए, लगभग आधा मिनट हो गया है। अब हमारे दूध में दाना आना चालू हो गया है। अब हम इसको और गाढ़ा होने तक और पकाएंगे, थोड़ा सा इसको गाढ़ा और करेंगे। आपने देखा होगा अलवर के मावे में दानेदार मावा होता है, ये हमारे नींबू के रस से दानेदार ही बनेगा। ये देखिए, गैस को आप धीमा ही रखें क्योंकि इस समय दूध आपका ऊपर तक छींटे देगा। ये देखिए, मैंने अब अपनी 300 ग्राम चीनी ली थी, हमने 3 लीटर दूध में चीनी डाल दी है। अब देखिए फ्रेंड्स, चीनी डालते ही इसमें दूध में और उछाल आ रहा है। अब आप इसको लगातार कलछी चलाते हुए पकाएं, इसको जमने की स्थिति तक हमें इसी तरह से कंटिन्यू पकाना है। हमारा दूध और गाढ़ा हो चुका है, हमें इसको अभी और बना है। देखिए हमारा कितना अच्छा दाना आया है इसमें। अब हम अपनी, ये हमने 1 चम्मच हरी इलायची का पाउडर लिया था, हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारा मावा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, अभी जमने की स्थिति पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और जब तक अपना बर्तन तैयार करते हैं। किसी कोई भी भगोना या कुछ भी इस तरह का आपको ध्यान रखना है, उसका तला थोड़ा सा भारी होना ही। मैंने इसमें अच्छे से घी लगा लिया है चारों तरफ से। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसका जो तला है वो भारी है।
आप भी ध्यान रखें, जो भी बर्तन ले रहे हैं आप भी, जो तला हो उसका भारी हो, थोड़ा सा मोटाई हो उसमें, वही बर्तन लें। अब मैं इसमें अपना मावा निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने मावा इसमें पलट लिया है। अब इसको एक दो बार हम अच्छे से टैप करेंगे। ये देखिए इस तरह से चम्मच से आप इसको प्रेस कर दीजिए। एक सार कर लिया है अपने मावे को। अब मैं इसको ढक के अच्छे से 22 से 24 घंटे के लिए हम इसी तरह से इसको ढक के रख देंगे। इसको हम छेड़ेंगे नहीं, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे किसी भी आप एक जगह इसको सेट कर दीजिए। फिर मैं इसको 24 घंटे बाद हम इसको अब देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें लगभग 24 घंटे हो चुके हैं, हमारा मावा कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसको निकालते हैं। सबसे पहले एक शार्प चाकू से आप इस तरह से इसके कोने हटा लीजिए। अब फ्रेंड्स हम इसको ज़्यादा नहीं, केवल 10 सेकंड के लिए गैस पे गरम करेंगे, ताकि ये नीचे से जो हमारा तला है वो तला छोड़ देगा। लगभग मैंने 10 से 12 सेकंड ही इसको केवल गैस पे रखा है, अब ये तला छोड़ देगा। अब हम इसको इस तरह से पलट के ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मावा तैयार है। अब हम इसको, अब मैं इसके पीसेस करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अलवर का मावा तैयार है। ये देखिए मैंने, ये हमने इसको 24 घंटे के लिए कवर करके रखा था, तो ये ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा लाइट है, और जो अंदर का बीच का पार्ट है वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन है। ये देखिए प्रॉपर हमारा अलवर का मावा बाजार जैसा बना है, बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट है, और देखने में भी मार्केट जैसा ही लग रहा है। दोस्तों बहुत टेस्टी बनाए हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए नए नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में।